इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। फ़ोन की सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको सबसे नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। सिंपली जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैटरी नाम से, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है बैटरी वाले ऑप्शन पर। बैटरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर जाएंगे, इसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे। यहाँ से आपको टर्न ऑफ बैटरी लेवल मिल जाता है, इसे भी आप यहाँ से ऑन कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन नंबर आता है सुपर पावर सेविंग मोड। सिंपली आप इसे ऑन कर देंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। अब आपके फ़ोन के अंदर सुपर पावर सेविंग मोड ऑन हो चुका है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे छह ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन आपकी ज़रूरत हो उन्हें आप यहाँ से सेट कर सकती हैं। जैसे हम प्लस के आइकन पर जाएंगे, आप जो भी एप्लीकेशन आपको ज़्यादा यूज करना है उसे आप यहाँ से सेट कर सकती हैं। जैसे हम अपने डायलर ओपन कर देते हैं जिसमें हमें फ़ोन की ज़रूरत आती है। अब आपको देख सकते हैं नीचे आपको बैटरी मिल जाती है, यहाँ से आपको मिल जाता है बैटरी कैन लास्ट अप टू 2 डेज एंड 8 घंटे चल सकती है। इस बैटरी सेविंग मोड में अगर आपको इसे एग्जिट करना हो, ऑफ करना हो बैटरी सेविंग मोड के लिए, तो लेफ्ट साइड में आपको एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, एग्जिट सुपर पावर मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी बैटरी सेविंग मोड को ऑफ कर सकते हैं और उसे ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।